कंगना की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। उनकी मूवी इमरजेंसी कई दिनों से लटकी हुई है। पहले उन्हें कोर्ट से झटका लगा और अब सेंसर बोर्ड से। आखिर क्या है पूरा मामला आपको बताएंगे, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें। नमस्कार, मेरा नाम है मोहित सरब्रह्मा और हमारे यूट्यूब चैनल युवा पत्रकार पर आपका स्वागत है। तो चलिए सीधा खबर पर आते हैं। कंगना की मूवी इमरजेंसी इन दिनों काफी चर्चाओं में है। मूवी बीते काफी वक्त से विवादों से घिरी हुई है और इसकी रिलीज डेट भी टाल दी गई है। जहां बीते दिनों CBFC ने कंगना रनौत के सर्टिफिकेट देने से इनकार कर दिया था, उसके बाद मामला कोर्ट में गया। अब मूवी को सर्टिफिकेट मिल गया है। हालांकि मूवी में 13 बदलाव किए जाएंगे। इनमें कई बदलाव सिख समुदाय को लेकर किए गए हैं। बदलाव सिख समुदाय की ओर से विवादित पाए गए थे, क्योंकि इनमें उनके समुदाय और आस्था को गलत तरीके से पेश किया गया था। बोर्ड ने देश भर के सिनेमाघरों में इमरजेंसी को रिलीज करने के लिए कई कट और संशोधनों की मांग की है। इनमें एक सीन को हटा भी दिया गया है, जिसमें सिखों को बस के सामने एक गैर समूह पर गोली चलाते हुए दिखाया गया है। जर्नैल सिंह भिंडरेवाला के संवाद को हटाना शामिल है, जो उस समय बढ़ते अलगाववादी खालिस्तानी आंदोलन के अहम शख्स थे। सिख समूहों की मांगों को ध्यान में रखते हुए CBFC की ओर से रिवाइजिंग कमेटी, जिसने पूरी फिल्म की फिर से जांच की, उन्होंने मूवी के शुरुआत में एक डिस्क्लेमर जोड़ने के लिए कहा है, जिसमें कहा गया है कि मूवी सच्ची घटनाओं से प्रेरित है और ये एक नाटकीय परिवर्तन है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक अब मूवी निर्माताओं के पास सिर्फ 3 ऑप्शंस बचे हैं। CBFC की ओर से सुझाए गए सभी बदलावों को माने और उन्हें लागू करें। कुछ बदलाव करना और कुछ चुनौतियां देना, या CBFC के फैसले को अदालत में चुनौती देना। मामले की अगली सुनवाई 30 सितंबर को होगी, जिसके बाद पता चलेगा कि कंगना की मुश्किलें कम होती हैं या नहीं। आपका इस पर क्या सोचना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।